हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा लिमिट के कुछ पार्ट हमने डिस्कस किए थे। पहला जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड लिमिट इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट, ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हम डिफरेंट के फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं। वो फॉर्मूले हैं कौन से, किस टाइप से उसपे प्रॉब्लम पूछी जाती है, देखते हैं कुछ सम। यस, लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। फर्स्ट लिमिट x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमने तभी लगाना है, दिस इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने तभी यूज करना है जब x और y दोनों की पावर सेम हो, ये x x x सेम हो और लिमिट ये सेम हो। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो n वैल्यू मैंने बोला है पावर, अगर पावर 2 है या 3 है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या a क्यूब माइनस b क्यूब। लेकिन अगर ये पावर मोर देन 3 आ जाती है या ये पावर रेशनल आ जाती है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, देन वी विल यूज दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए जरा गौर से। लिमिट, पहले छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2। जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से कैसे किया था ये क्वेश्चन देखिए जरा, मैं दोबारा से करा देता हूं। x टेंड्स टू 2, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आंसर आ रहा था 0/0, इसका मतलब हमें इसको फैक्टराइजेशन से करना था। अगर मैं यहां फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ये आने वाला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस b, a माइनस b। सो व्हाट विल दिस, दिस इज x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस विल x प्लस 2। अब x के प्लेस पे 2 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। बट मैंने भी बताया हम पढ़ रहे हैं अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए जरा, और क्या रोल है स्टैंडर्ड रिजल्ट का। लिमिट इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये बोलता हूं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 2, आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले से अगर कंपेयर करें हम, x x x सेम है, a के प्लेस पे 2 है और पावर दोनों की सेम है, मतलब ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। तो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली n, और यहां n के प्लेस पे हमारे पास 2 है, a की पावर n माइनस 1, a के प्लेस पे भी 2 दिया हुआ है, इसकी पावर n दैट इज 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 2 जा 4, फाइनली 4 इज द करेक्ट आंसर। इससे भी 4 आया और यहां से भी 4 आया। तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कई बार जब फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो सर ये फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट की जरूरत क्यों। तो देखिए जरा एक और सम, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 2, नाउ x पावर 11 माइनस 2 पावर 11 डिवाइड बाय x माइनस 2, सेम इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, बट यहां एक प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट के साथ कि a की पावर x की पावर a की पावर 11 माइनस b की पावर 11, ये फॉर्मूला आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो फॉर्मूला पढ़ा था, बट a पावर 11 माइनस b पावर 11 ये फॉर्मूला आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा, क्या करें फिर। तब जरूरत पड़ी हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट की। अब जरा गौर से देखें, एस फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। तो जरा गौर से देखिए, इसको अगर मैं कंपेयरिंग करूं तो x के प्लेस पर x है, a के प्लेस पर 2 है सेम हियर, और n के प्लेस पे यहां 11 है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है n, n कितना है 11 और 2 की पावर 11 माइनस 1 दैट इज 11, 2 की पावर 10 मतलब 11 इंटू
2 की पावर 10 होता है 1024, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल योर आंसर। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बाय चांस से कई बार क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि वो डायरेक्टली अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रॉब्लम इस टाइप से आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाय x, जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यहां एक प्रॉब्लम है, आप लोग देख रहे होंगे कि इस वाले क्वेश्चन में पावर 7 है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बन पा रहे जो हम चाहते हैं, उस फॉर्म में भी नहीं है और a प्लस b की पावर 7 का फॉर्मूला भी हमें नहीं आता है। इसका फॉर्मूला वैसे होता था लेकिन कोविड के चलते एक चैप्टर आप लोगों के कोर्स से कट गया है, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। बट बायनोमियल थ्योरम जैसे कट गया है और अगर था भी तो कई बार बच्चों को याद नहीं होता और वैसे भी बहुत लेंथी हो जाता है फॉर्मूला a प्लस b की पावर 7 को खोलना। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 7, मैं 1 की पावर 7 लिख सकता हूं क्योंकि 1 की पावर 7 में क्या होगा, 1 ही रहेगा। अब जरा गौर से देखिएगा कि किस चीज की हमें जरूरत है, कुछ कमी रह गई शायद इसमें। हमने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, पावर तो सेम है। आगे चलते हैं, मैंने कहा ये x भी सेम होना चाहिए बट यहां x है, यहां भी x है बट यहां 1 प्लस x है, मतलब कुछ कमी है। यहां 1 प्लस x है तो उधर भी 1 प्लस x होना चाहिए। तो यहां x तो है, 1 नहीं है तो 1 हम खुद से लाएंगे, इसमें 1 हम ऐड कर देंगे और 1 सबट्रैक्ट। सेम हियर, इधर भी बोथ साइड 1 ऐड करेंगे हम, तो ये टर्म आने वाली है स्टूडेंट लिमिट 1 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस 1 1 और ये होने वाला है 1 प्लस x की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 डिवाइड बाय 1 प्लस x माइनस 1। अब यहां से हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप देख रहे होंगे पावर सेम आ गई, अब ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका n, n कितना है 7, 1 की पावर 7 माइनस 1 मतलब 7, 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 होगा, 7 into 1 is 7, so 7 is the correct answer। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और भी हैं हमारे पास जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन अभी इस टाइम 2020 में आपके एग्जाम में नहीं आएंगे जो अभी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं। तो अभी फिलहाल हम इसके फॉर्मूले मेंशन कर देते हैं, x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by x is equal to 1। ये थ्री फॉर्मूले और हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। एक्सपोनेंशियल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, बाय चांस अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए आपको इसी फॉर्म में रिड्यूस करना होगा क्वेश्चन को। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x minus 1 by x, suppose ये question है, तो आप देख रहे होंगे। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इस type के standard result के जो भी formula हैं, उसमें आप देख रहे होंगे limit sum में 0 है, अगर 0 है तो well and good, अगर ऐसा है कि exponential का question आया है but limit 0 नहीं है तो उस question में limit 0 हमें बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे 0 देखेंगे बस थोड़ी देर में, पहले इसको देखिए जरा। आप देख रहे हैं लिमिट इस वाले केस में तो 0 है ऑलरेडी, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। अब यहां इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखिए कुछ कमी है शायद, लिमिट तो 0 है, e की पावर जितना है उतना ही डिवाइड में होना चाहिए तभी लिमिट 1 होगा। यहां e की पावर 3x है बट डिवाइड में 3x नहीं है, x तो है, 3 की कमी है तो हम खुद से 3 से डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई। अब जितना x इधर है उतना ही यहां भी होना चाहिए तो इसको दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आने वाला है 3x टेंड्स टू 0 into 3 0 e की पावर 3x minus 1 डिवाइड बाय 3x into 3। फाइनली आप देख रहे होंगे ये पूरा फॉर्मूला
वन हो गया। अब इसके प्लेस पे आप डायरेक्टली वन रख दोगे तो वन इंटू थ्री, फाइनली थ्री इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप इनको यूज कर सकते हो फॉर्मूले को। देखिए जरा एक और सम, नेक्स्ट देखिए लिमिट। अगर मैं बात करता हूं x टेंस टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 डिवाइड बाय x माइनस 5, ये क्वेश्चन है आप देख रहे हो। अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है स्टूडेंट्स में। अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 0/0, मतलब डायरेक्ट तो मैं कर नहीं सकता और इसके फैक्टर हमें आते नहीं क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल देखते ही हमें याद आता है स्टैंडर्ड रिजल्ट, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए मैंने अभी जस्ट बताया लिमिट हमेशा 0 होनी चाहिए। अब क्योंकि लिमिट्स में 0 नहीं है तो कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से सुनिएगा। e की पावर 5 डिवाइड बाय x माइनस 5, ऐसे केस में जो भी लिमिट आपको दी होगी आपको उसे लेट करना होगा, आपको लेट करना होगा x इज इक्वल टू जो लिमिट है दैट प्लस h, वेयर h इज व्हाट, एनी कांस्टेंट वैल्यू, h इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। अब x के प्लेस पे अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 इज इक्वल टू 5 प्लस h, 5 को इधर ले जाइए 0 h, तो अब ये आने वाला है लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x के प्लेस पे हमने रखा 5 प्लस h, तो दिस इज 5 प्लस h माइनस e की पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस h माइनस 5, 5 कैंसिल आउट, आप देखेंगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। नाउ e की पावर 5 इनटू e की पावर h माइनस e की पावर 5 डिवाइड बाय h। अब e की पावर 5 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं e की पावर 5 कॉमन लेता हूं तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 डिवाइड बाय h। आप देख रहे होंगे ये अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, तो इस कंप्लीट टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 1 इनटू e की पावर 5, फाइनली e की पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। अगला टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अपने अलग स्टैंडर्ड रूल होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, वो है हमारे पास और इन सबको हम बाद में प्रूव भी करेंगे। अभी मैंने एक टॉपिक और बताया था अभी आपको, हॉस्पिटल मेथड एंड फंक्शन रेज टू द पावर ऑफ फंक्शन। जब हम हॉस्पिटल मेथड पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ये सारे फॉर्मूले कैसे प्रूव करते हैं, बट अभी फिलहाल स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्टली हम देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0। इन सब के प्रूव अभी आपके 11th क्लास में नहीं पूछे जाते। इसकी वैल्यू 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं प्रूव कराऊंगा आपको कि sin theta अपॉन theta 1 क्यों होता है। अभी फिलहाल कुछ फॉर्मूले भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, साइन ए माइनस जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, साइन ए माइनस साइन बी, एंड मेनी मोर। तो और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ऑलवेज रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमेशा याद रखने होंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो आपके 11th क्लास 12th क्लास बीएससी बीटेक आप किसी भी क्लास में अगर पढ़ रहे हैं और किसी भी चैप्टर में, इनफैक्ट कैलकुलस के किसी भी चैप्टर में अगर अटक जाते हैं आप, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, किसको लेट करें, मोस्टली स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है पे टीचर बोलता है कि x को sin थीटा मान लो या cos थीटा मान लो। अब बच्चों की प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लेट कर लो, कैसे करना है ये जानना चाहते हैं वो, या हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं हम। तो देखिए इसके लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और हैं, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। ऑलवेज रिमेंबर जब भी रूट के अंदर माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा तो आपको ऑलवेज एक्स को लेट करना होगा, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा।
और अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जब भी प्लस में x स्क्वायर आएगा तो इसमें से कोई भी टर्म आप पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं ये सारे फॉर्मूले पे। आपकी जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उसमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x / x, सपोज ये क्वेश्चन आ गया तो इसको सिंपलीफाई कैसे करें, तो आप देख रहे हैं ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लिमिट तो यहां जीरो है, आप देख रहे होंगे लिमिट तो जीरो है लेकिन जितना थीटा है उतना डिवाइड में नहीं है। आपको देख रहे होंगे यहां साइन थीटा है अगर, तो यहां भी एक्स होना चाहिए तभी ये वन हो पाएगा, तो यहां थ्री एक्स है तो डिवाइड में भी थ्री होना चाहिए, तो ये आने वाला है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन थ्री एक्स डिवाइड बाय एक्स, इसको थ्री से डिवाइड करेंगे हम और थ्री से मल्टीप्लाई, तो अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा ये हो जाएगा वन, वन इंटू थ्री, फाइनली थ्री इज द करेक्ट आंसर। इसी टाइप से अगर दोनों एंगल अलग अलग आ जाए बाय चांस, लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइड बाय बी एक्स, अब इसको कैसे सॉल्व करें, आप देख रहे हैं लिमिट तो जीरो है बट डिवाइड में सेम एंगल नहीं है, लिमिट जीरो होनी चाहिए और जो साइन के साथ एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए तभी ये वन होता है। तो जरा गौर से देखिएगा क्या करें हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइड बाय एक्स तो है बट एक्स के साथ बी है, हमें बी नहीं ए चाहिए बिकॉज एक्स के साथ यहां एंगल में ए है, तो हम इसको ए से डिवाइड करेंगे और मैथ का रूल है जब ए से डिवाइड किया तो ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये बी कहां गया, इसको डिवाइड में बी लिख देंगे और ये कंप्लीट टर्म वन हो जाएगा, सो वन इंटू ए बाई बी, फाइनली ए बाई बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, इसी में आगे अगर देखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर साइन क्यूब थ्री एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब, ये कोई पावर अगर आ जाए बाय चांस से तो क्या करें, स्क्वायर आ जाए क्यूब आ जाए कुछ भी आ जाए तो उस केस में हम क्या करें, तो ऑलवेज रिमेंबर या तो इसको थ्री टाइम मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, इसको मैं आप ऐसा भी लिख सकता हूं लिमिट वेरी सिंपल x टेंड्स टू 0 ये पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं sin 3x into sin 3x into sin 3x और ये डिवाइड में x क्यूब है तो सबको एक एक x दे दीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हो। अब थीटा सेम बनाना होता है तो इसको हम 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x डिवाइड बाय x है तो 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, सेम साइन 3x डिवाइड बाय x 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई इनटू साइन 3x डिवाइड बाय 3x इनटू 3, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 इनटू 3 इनटू 1 इनटू 3 इनटू 1 इनटू 3, आप देखेंगे आ गए 27। और अगर बाय चांस आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin क्यूब 3x डिवाइड बाय x क्यूब, तो जितनी पावर अगर होती है उसकी थीटा की डायरेक्टली उतनी पावर आप साइड में सॉल्व कर लीजिए, ये 3x है उसकी होल पावर 3 कर दीजिए अगर साइन की पावर 3 है, अगर साइन की पावर 2 है तो उसकी पावर भी 2 कर दीजिए, जब इसकी पावर 3 करेंगे तो आप देखेंगे 27x³, तो डिवाइड में हमें 27x³ चाहिए, अब डिवाइड में x³ तो है 27 नहीं है तो हमने क्या करना होगा, एक्स क्यूब तो है 27 अगर नहीं है तो हम खुद से डिवाइड करेंगे और खुद से इसको मल्टीप्लाई। अब जरा गौर से देखिएगा ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यू मे राइट व्हाट साइन 3x डिवाइड बाय इसको हम 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं एंड दिस कंप्लीट टर्म इज व्हाट 1 और 1 का क्यूब 1 होगा सो 1 इनटू 27 फाइनली 27 इज द करेक्ट आंसर।
इस टाइप से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और कंटिन्यूस टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।